जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, क्या हाल है आपका, क्या नाम है सर? अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद नुमान ताहिर नाम है सर। क्या? मोहम्मद नुमान ताहिर। मोहम्मद नुमान ताहिर। जी जी। मोहम्मद नुमान ताहिर, आप ग्रीन वैली में कैसे आए थे आज? नहीं, मैं कल रात आया था। अच्छा अच्छा, वहाँ से भी कैब ही बुक की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नुमान साहब नो ग्रीन वैली तो चुकिया थे, इन्होंने मैं लेके जा रहे हैं डेवो, तो इन्होंने लाहौर जाना, तो बाकी मजीद इन्होंने गुफ्तगू करते हैं। जी बेटा, की काम करते हो तुसी? मैं डीवीएम कर रहा हूँ, कल 7th सेमेस्टर हो गया। माशाल्लाह, वेरी गुड। डीवीएम 7th सेमेस्टर, कहाँ से कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये आपकी कौन सी क्लास है, इवनिंग या मॉर्निंग? इवनिंग में। इवनिंग में सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस पे लिया दाखला। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने मैट्रिक कहाँ से किया था बेटा? मैट्रिक लाहौर से। लाहौर से, और लाहौर कहाँ से? लाहौर कैंट से। कैंट से, कैंट से। मैट्रिक में कितने नंबर थे? 1067। अच्छा, और एफएससी कहाँ से किया आपने? एफएससी भी लाहौर से। लाहौर से, कहाँ से? इछड़ा कैंपस थ्री बी। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंपस थ्री बी में से। अच्छा अच्छा, कितने नंबर थे एफएससी में? एफएससी में मेरे 981। 981, माशाल्लाह। अच्छा, अब दाखला ज़रई यूनिवर्सिटी में आपने एग्रीकल्चर में डीवीएम में लिया है। जी जी। सेल्फ फाइनेंस पे। सेल्फ फाइनेंस पे। जी, कितनी फीस है सेल्फ फाइनेंस इसकी? पहले तो 80-250 थी, अब कुछ पिछले सेमेस्टर से 87-250 कर दी है। अच्छा, ये है सिर्फ हॉस्टल ड्यूज के बगैर। हॉस्टल ड्यूज के साथ मेरी फीस है अप्रोक्सीमेट 1,01,250। बड़ी फीस है बेटा, बड़ी। यानी ये कितने साल का हो गया कोर्स? 5 साल का। 5 साल का, इसका मतलब 6 लाख तो वैसे फीसों में चला गया है। नहीं, 8 सेमेस्टर 10 सेमेस्टर है ना, तो तकरीबन बन जाता है इसका टोटल खर्चा कितना बन जाएगा? 8 लाख रुपए फीसों का लगा ले आप। अच्छा, बाकी हॉस्टल उस्टल मिला के, रोज के खर्चे मिला के तकरीबन 15 लाख रुपए में डिग्री पड़ जाती है। 15 लाख में डिग्री पड़ जाती है डीवीएम की। डीवीएम की। और आप तो बेटा शहर में रहते हैं लाहौर में, और उधर तो जानवर नहीं होते, आपको नौकरी फिर कैसे मिलेगी? नौकरी तो नौकरी करनी नहीं है। क्यों? नौकरी है ही नहीं। आप एमबीबीएस करके आ जाओ, नौकरी नहीं मिलनी आपको, खुद ही करना जो आपने करना है। फिर डीवीएम करने का फायदा क्या बेटा? टेस्ट खुद करेंगे इंशाल्लाह, शेड बनाने का इरादा है। अच्छा, तो अल्लाह कामयाब करे उसमें। आमीन, माशाल्लाह। अच्छा, यानी आप मुर्गियों के लिए जो पोल्ट्री फार्म का शेड होता है वो बनाएंगे? जी जी बिल्कुल, क्योंकि नौकरी दे तो ज्यादा सवाब है, नौकरी लेनी नहीं चाहिए, देनी चाहिए। जी जी। मौके दे, अल्लाह ताला आपको और ज्यादा मौके देगा, बरकत देगा आपके लिए, इज्जत में, रिस्क में, बरकत में, सारा हर जगह बरकत होगी। जी जी जी। वैसे बात ये है कि नौकरी की बजाय कारोबार में ज्यादा फायदा है। बेशक, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप पोल्ट्री फार्म से कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर में, इंशाल्लाह लाहौर में। लाहौर में वो वही रहते हैं, वहाँ से कमर्शियल एरिया है ना, कमर्शियल मार्केट बनी हुई है काफी ज्यादा। अच्छा, वो शहर में कैसे आपको पोल्ट्री फार्म बनाने देंगे? शहर में नहीं, वाघा बॉर्डर के पास एरिया है काफी। अच्छा अच्छा, लोकेशन है वहाँ पे, अलाउ कर देते। अच्छा, वहाँ पे अलाउ है, अलाउ है फार्म के। बिल्कुल। लेकिन पोल्ट्री फार्म बेटा बनाने के लिए बंदे के पास रिसोर्सेज या पैसे वगैरह को इतने होने चाहिए जो पोल्ट्री फार्म 2.5 करोड़ रुपए आए तो ये एक शेड के लिए। एक शेड के लिए, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन की हुई है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, 2.5 करोड़ रुपया लगेगा, 30,000 का बर्ड जो होगा, 30,000 बर्ड एक टाइम पे रह सकेगा उसके। इसका मतलब माशाल्लाह आपने पहले कैलकुलेशन करके रख ली है, यानी 7वां सेमेस्टर अभी एक साथ रहता है डिग्री का। लेकिन बेटा ये डिग्री दरमियान में छोड़नी नहीं है, इसको मुकम्मल करना है। 7वां 8वां सेमेस्टर शुरू होने वाला, 1 साल लग गया। जी जी जी। उसके बाद इंशाल्लाह आगे इसी काम के लिए देख रहे हैं, रिसर्चेज वगैरह जो परमिट्स वगैरह चाहिए वो देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से वेरिफिकेशन करवानी पड़ेंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं इसके लिए। जी जी, वो सब कुछ साथ साथ देख रहे हैं। पोल्ट्री फार्म में जो आपने अभी तक कुछ सीखा है हमें भी कुछ बताएंगे, क्या क्या सीखा उसमें, क्या क्या रिसर्च की है आपने? तकरीबन अगर आप कारोबार, ये ऐसा है कि वेट पे डिपेंड करता है उसके, अगर तो रेट अच्छा लग गया, आपको पता होना चाहिए किस दिन रेट अच्छा लगना है। जी जी। आपने सिर्फ स्टॉक तब निकालना है। और शेड का ये फायदा होता है कि एक तो बीमारी नहीं आएगी। जी। लेकिन जब बीमारी आएगी तो सारा का सारा फ्लॉक जाएगा। जी। लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जी जी। 24 घंटे बंदे को टेंशन होती है, वर्कर्स के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। जी, लेकिन इसमें ये है कि बंदे के पास 2.5 करोड़ हो, शायद अपना बनाएंगे आप? शायद अपना, इंशाल्लाह 2.5 करोड़ यानी लागत आएगी टोटल। ज्यादा ही आएगी क्योंकि आपको पता है डॉलर के रेट ऊपर नीचे हो गए हैं।
जी जी तो रेट ज्यादा ही होंगे नहीं है, ये जो लेयर डालते हैं अंडों के लिए वो बॉयलर अच्छा अच्छा बॉयलर मीट प्रोडक्शन के लिए अच्छा 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 नहीं अंडों वाली में ज्यादा फायदा नहीं है नहीं हर एक का इंटरेस्ट है मुझे बॉयलर में मतलब थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है मीट क्वालिटी पे चले बेटा अल्लाह ताला आपको अपनी जिंदगी में कामयाबी अता फरमाए आपके साथ है जी बड़ी मेहरबानी आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करना है ठीक है शेयर भी करना है और लाइक भी करना है और कमेंट्स में मुझे बताना भी है कि ये वीडियो सही बनती है या नहीं ठीक है बहुत अच्छा चैनल बना रहे अल्लाह ताला इनको तरक्की दे आपने भी सब्सक्राइब करना है लाइक करना है और शेयर लाजमी करना है थैंक यू ऐसी वीडियोस देखते रहे अंकल की मदद की बड़ी मेहरबानी शुक्रिया फैसलाबाद में अब आ रहे हैं फैसलाबाद के मतलब पूछा नहीं लाहौर से क्या मुवाजना करते हैं फैसलाबाद फैसलाबाद शहर नहीं कह सकते इसको शहर नहीं है नहीं है क्यों लाहौर इधर ड्राइव मुझे कैब फॉरन नहीं मिलती और बड़ी प्रॉब्लम है साल में ट्राई कर रहा था कोई कैब मिल जाए मुझे अच्छा अच्छा तो नहीं मिल रही थी चलो अल्लाह ताला अंकल ने साथ दिया अंकल ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और मैं अब अंकल के साथ जा रहा हूँ अपने और साथ वीडियो भी बनवा रहे हैं ठीक है थैंक यू बेटा अल्लाह हाफिज़ शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम आपका टाइम भी हो रहा है गाड़ी का हमने आपको डेवो भी छोड़ना है अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम